अस्सलाम वालेकुम दादा। वालेकुम अस्सलाम। मैं अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। अच्छा, नींद सही आई आपको? हाँ हाँ, बहुत ठीक आए। फजर की नमाज के वक्त ही आंख खुल गई। ये मेरी सालगिरह का तोहफा है। हाँ। बहुत खूबसूरत है। मतलब नहीं पूछोगे? क्या फायदा पूछने का, मतलब मैं भूल जाता हूं दादा। तो याद रखा करो। नहीं रहता याद। अल्लाह मोमिनीन के साथ है। और मैं मोमिन नहीं हूं। आए दादा नाश्ता कर ले। मोमना, अस्सलाम वालेकुम खाला। ओ, कहां से आवाजें लगा रही थी तुम्हारे पीछे? सॉरी, मैंने सुनी नहीं आपकी आवाज। हाँ हाँ, स्टार जो हो गई हो, अब क्यों सुनोगी? सो देख रही हूँ तुम्हारा। सुरैया से कहा, क्या एक्टिंग करती है तुम्हारी बेटी। शुक्रिया खाला। सीरियल क्यों नहीं कर रही? अब तुम कोई बहुत बड़ा रोल करना। बड़ा रोल भी करूंगी। घर गई थी तुम्हारे जहांगीर और सुरैया से भी, मगर बस जहांगीर के सामने हिम्मत नहीं हुई बात करने की। क्या हुआ, आप मुझे बताइए। वो घर खाली करवाना है ना। खाली? हाँ, घर बेच रही हूँ। बेटा बहुत जिद कर रहा है, घर खरीदेगा। उधर डिफेंस में पैसे थोड़े कम पड़ रहे हैं ना। मैं, आपने नहीं नहीं तुम फिक्र नहीं करो, एक दो माह दूंगी तुम्हें। तुम लोग आराम से घर ढूंढना। बहन हूँ ना तुम्हारी और सुरैया की। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, दर्जी के पास भी जाना है मुझे। अल्लाह हाफिज। वो तो मान ही नहीं रहे थे कि ये हमारा बेटा है। मजाक में कहने लगे, कहां से उठाकर लाए उस नवाबजादे को। जब ठीक हो जाऊंगा अम्मा, तो मैं फिर से एक्टिंग करूंगा। हाँ हाँ, इंशाल्लाह अगला अवार्ड मेरा बेटा बेस्ट एक्टर का लेगा। पापा को जिस दिन से फिल्म नहीं मिली, मूड ही ऑफ हो गया इनका। मेरा तुम्हारा तो कोई मुकाबला है ही नहीं। देखो यहाँ पे तो मेरा एक भी अवार्ड नहीं है। सारे अवार्ड, सारी शील्स तुम्हारी हैं। मेरी तरह तुम भी चाइल्ड आर्टिस्ट होती ना, तो ये सारे अवार्ड तुम्हारे होते। तुम्हें तो किसी ने काम ही नहीं करने दिया। इसका बस चले तो ये आज भी ना करे। ये क्या कदर जानती है एक्टिंग की, आर्टिस्ट की। उसने जहाँ कदर किया करती थी आर्टिस्ट की, मेरी तो इतनी कदर करती थी। और मेकअप तो बस मुझसे ही करवाती थी। पता नहीं अब्बा को हर बात पर हुस्ने जहां क्यों याद आ जाती है, और अब घंटों उसकी मिसालें देते रहेंगे। कभी कभी मुझे लगता है अब्बा को उससे जहां से मोहब्बत थी, सिर्फ काम नहीं करते थे उसके लिए। और अम्मा जहांगीर के इश्क में मुब्तला है, और मैं, हम सब दायरों में चल रहे हैं। कोई दायरा किसी दूसरे दायरे से मिलता ही नहीं। दादा, मोमिना स्टार डायरेक्टर है। कैनेग्राफी उसे स्टारडम नहीं देगी। आपने उसकी फिल्में देखी हैं? ओ, यू मस्ट वॉच देम। वो औरत को जिस तरह स्क्रीन पर पेंट करता है ना, दैट्स ऑसम। ऐसे पेश करता है अपनी हीरोइन को कि देखने वालों को उससे प्यार हो जाए। आप भी तो आर्टिस्ट हो, आपको तो पता होगा। चलो बे, नेहा, लेट्स गो।
अच्छा दादा, हम एक इवेंट पे जा रहे हैं, थोड़ा सा लेट हो जाएंगे, इंतजार मत कीजिएगा, ठीक है? ओके भाई, अल्लाह हाफिज दादा। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती मोमिन। मुझे भी अपनी समझ नहीं आती दाऊद। तुम मोमिन को समझती क्या हो कि तुम उसके पास जाओगी और वो तुम्हारी अपॉलजी एक्सेप्ट करके रोल तुम्हारे हाथ में थमा देगा? कोशिश करने में क्या हर्ज है? वो तुम्हें रोल नहीं देगा। देखो, मैं वो बातें नहीं दोहराना चाहता जो तुम्हारे जाने के बाद उसने मुझसे की थी। तुम क्यों बेइज्जत होना चाहती हो? मुझे इस वक्त शोहरत और पैसों की जरूरत है दाऊद। इज्जत मेरी अब तरजीह नहीं रही। दाऊद, क्या बना यार पार्टी का? वो मोमिन भाई, ये आपसे कुछ बात करना चाहती हैं। कैसी बात? तुम क्या करने आई हो यहाँ पे? मैं आपसे एक्सक्यूज करने आई हूँ, उस दिन जो कुछ भी हुआ। I just do not have the time to deal with your nonsense. और तुम दोबारा मुझे नजर ना आओ, understood? और तुम जो हो ना, इस सारा दिन बैठ के इस तरह की दो दो टके की लड़कियों के साथ बातें करते रहते हो, फोकस ऑन योर वर्क। दोबारा मुझे नजर आई तो इसके साथ तुम्हें भी यहां स्टूडियो से बाहर निकाल दूंगा। आके रोड की भीख मांगने के लिए मेरे आगे पीछे फिरने की जरूरत नहीं है तुम्हें। All of this is as cheap as you are। बगैर पैसों के किसी से बात नहीं हो सकती, लेकिन ये बात मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ज्यादा दिन जिएगा नहीं। तुम मुझे मरने नहीं देना। मोमिन की फिल्म में तुम्हारे लिए कोई रोल? वो घर खाली करवाना है ना। सॉरी, आई डोंट हैव व्हाट इट टेक्स टू बी अ फिल्म स्टार। शूट होना है जिसकी कास्टिंग वो कर रहे हैं आजकल यहाँ पर, पीसी में ठहरी हुई है तबस्सुम। मैंने तो दाऊद से कहा है मेरा तुम्हारा ऑडिशन करा दे बस किसी तरह। यहाँ की फिल्म में तो चांस मिला नहीं, हॉलीवुड में मिलेगा। चांस मिले ना मिले तो क्या होता है, ऑडिशन तो देना चाहिए ना। मेरे पहले ही बहुत दिन जाया हुए मोमिन की फिल्म के ऑडिशन के, अब और नहीं। उसने वैसे कास्टिंग कर ली है? मुझे जानने में कोई दिलचस्पी नहीं। तफा करो, उसका भी वैसे दिमाग खराब है, कामयाबी मिलने के बाद ना यही होता है। अरे मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई, फैसल से मुलाकात हुई मेरी। फैसल से? वो अमेरिका से आ गया? हाँ आया हुआ है। परसों मुलाकात हुई मेरी हॉल में, तुम्हारा पूछ रहा था। क्या हाल? यार अब रोना मत। नहीं, बहुत ठंडी है ये। ठंडी ना भी होती तो भी ऐसे रोती तुम। मत याद किया फिर। याद नहीं करती उसे, बस भूल नहीं सकती। मिलोगी उससे? कह रहा था। नहीं मैं कह रही हूँ। नहीं
اصرار نہیں کر رہے نہ ملو اس لیے نہیں کر رہی میرا گھر دیکھے، گاڑیاں دیکھے، میری شہرت دیکھے، میرا کیریئر دیکھے، میرے پاس تو سب کچھ ہے جو میرے عمر کے کسی بھی لڑکے کا خواب ہو۔ تو خوش ہونا تو بنتا ہے نا، ایسے ڈرتے کیوں نہیں؟